शिमला जिला के रामपुर नगर परिषद में 9 में से 7 वार्डो में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इस जीत पर कांग्रेसियों ने जश्न मनाया और राज दरबार होते हुए बाजार तक रैली निकाली। सभी जीते हुए पार्षदों ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आस्था जताते हुए उनके निर्देश पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने की सहमति जताई है। शिमला जिला के रामपुर नगर परिषद में 9 में से 7 वार्डों में कांग्रेस समर्थित पार्षदों के जीतने पर कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। नवनिर्वाचित पार्षदों और कांग्रेसी नेताओं ने राज दरबार में एकत्रित होने के बाद बाजार में रैली निकाली। सभी जीते हुए पार्षदों ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसी नवनिर्वाचित पार्षद एकजुट हैं। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा पर रामपुर नगर परिषद में जीत दर्ज करने के लिए षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया। नवनिर्वाचित पार्षदों ने कहा कि वे अपने अपने वार्ड को स्मार्ट बनाने का प्रयास करेंगे और जो रुके हुए विकास कार्य हैं उनमें गति लाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दिशा निर्देशानुसार रामपुर नगर परिषद में अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। सभी ने कहा कि वे ईमानदारी से शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे। बीजेपी सरकार में काम रुके हुए हैं उनको दोबारा शुरू करना, सड़कों का निर्माण करना, एम्बुलेंस रोड का निर्माण करना, वार्ड नंबर 8 में लाइटें का प्रबंध करना, स्वास्थ्य पक्के करने और पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है कहीं रामपुर में उनका निर्माण करना और जल्द से जल्द विकास का कार्य शुरू करना। बनाना चाहूंगी, वहां पे रुके हुए सारे काम पूरा करना चाहूंगी, स्ट्रीट लाइटें लगाना चाहूंगी, सीवरेज की समस्या सुलझाना चाहूंगी। मतलब वहां जो लोग मुझे सेवा का मौका, जो उनकी समस्याएं हैं मैं सुलझाना चाहूंगी। नगर परिषद के सभी बुजुर्गों, माताओं बहनों और नौजवान साथियों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कि कांग्रेस पार्टी, राजा साहब, टिक्का साहब, रानी साहब और जो हमारे यहाँ के प्रभारी पूर्व में रहे हमारे अध्यक्ष दीपक सूद पर विश्वास व्यक्त करते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। ये बिल्कुल सही संकेत है कि किस तरह से 34 साल लगी है भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में एक ईंट तक नहीं लगाई है और इसका मुंह तोड़ जवाब अभी इन इलेक्शनों में जनता ने बीजेपी को दे दिया है। किस तरह से षड्यंत्र रचा गया है, जहाँ पर पहले यहाँ पर जो चार वार्ड होते थे अब पंचायत लेवल का एक वार्ड बढ़ा दिया है। ये एक बहुत ही शर्मसार करने वाला वाक्य है और ऐसे तो जयराम सरकार बोलते हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ, लेकिन इन्होंने अभी 3-4 साल में यहाँ गरीबों की ओर क्या ध्यान दिए इन्होंने। यहाँ हमारे वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, इनके लिए भी कोई आवासीय व्यवस्था नहीं की गई है और हमारे कई ऐसे जिनके पास बेघर है, सिर्फ कागज में ही है ये। रामपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दीपक सूद ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद और उनके दिशा निर्देशानुसार कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने रामपुर नगर परिषद में षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। नगर परिषद रामपुर में हर वर्ष की भांति जो जब भी चुनाव होते हैं तो राजा साहब के दिशा निर्देश द्वारा जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं रानी प्रतिभा सिंह जी, जो पूर्व में सांसद रही हैं, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विधायक श्री विक्रमादित्य सिंह जी, जिनके पूरे आशीर्वाद से रामपुर में हर बार की तरह इस बार फिर दोबारा कांग्रेस का झंडा लहराया है और 9 में से 7 सीटें हमारी कांग्रेस की आई है और जितना षड्यंत्र भाजपा ने इस बार रचा वो आज तक कभी नहीं रचा गया। इन्होंने वार्ड तोड़े, जो हमारा एक 400 मेंबर का वार्ड था उसको तोड़ के 200-200 का किया गया और जो हमारे बाजार के वार्ड जो 4 थे उनको 2 बना के 1200 उसका 1200 वोटरों का वार्ड बनाया गया। ये कहाँ की राजनीति है, लेकिन जनता ने इसका जवाब दिया और ऐसा जवाब, करारा जवाब दिया कि फिर दोबारा 7 सीटें यहाँ पे कांग्रेस ने झोली में दिया राजा साहब की। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट।